हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पुरानी साड़ी से कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। कुछ नया भी नहीं है एक्चुअली, ये सब हमारी मम्मी आंटी सब पहले कर चुकी है, बट हाँ ये ट्रेंड में अब फिर से आया है, क्योंकि अब बीच में ऐसा हो गया था ना कि सबको लगता था अरे तो पुराने कपड़ों से कुछ बना रहे हैं, बट अब यूट्यूब की थैंक्स टू यूट्यूब पर अब ये इतना कॉमन और इतना यूनिक स्टाइल बन चुका है कि सबको ये ट्रांसफॉर्मेशन करना इतना पसंद आता है और एक प्राउड सा फील होता है, अरे बाबा हमने तो अपनी पुरानी चीज़ों को रीयूज़ कराया है, और मतलब हम प्राउडली लोगों को बताते हैं। वैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन करना इतना कोई भारी भी नहीं है, पर आप मेरी वीडियो अगर उसको आप एग्जैक्ट देखोगे ऐसे ही स्किप कर करके ना देखो, तो आपको ये बनाना बहुत इजी भी लगेगा और आप आराम से समझ के आराम से बना पाओगे इसे। ये ड्रेस वैसे मैंने एक छोटी बच्ची के लिए बनाई थी, ये कुछ 5 से 6 या 7 साल की रही होगी, क्योंकि ये हमें ऑर्डर क्लाइंट से मिला था, उनको अपनी पुरानी साड़ी से अपने बच्चे के लिए एक पार्टी वेयर ड्रेस बना था। पार्टी वेयर भी इन द सेंस कि आप नॉर्मल बच्चों को पूजा वगैरह में बच्चे ये पहन सकते हैं, और आप चाहो तो आप इस ड्रेस को अपने लिए भी बना सकते हो। उसका मेजरमेंट अलग होगा, आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट रख सकते हो इसके लिए। ये ड्रेस पूरी 2 मीटर अस्तर में ये पूरी ड्रेस रेडी हो गई थी, क्योंकि एक छोटे बच्चे की थी इस वजह से। हाँ, अब कभी कभी वीडियो में आप कहीं कहीं आप सोच रहे होंगे कि ये अचानक से, जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे होंगे कि ये मेरे मतलब ये मेल कौन है जो स्टिच कर रहा है, एक्चुअली ये मेरा भाई है जो कि मेरे बिहाफ पे स्टिचिंग कर रहा था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बीच में, पर जो शूट हमने पहले कर लिया था जैसे कि मेजरमेंट वगैरह का कटिंग का, तो वो शूट मैंने पहले कर लिया था, फिर मैं थोड़ी बीमार हो गई थी, तो आगे की स्टिचिंग वगैरह का शूट इसने कंप्लीट किया। इस वजह से हमारी वीडियोस भी काफ़ी लंबे टाइम तक अभी नहीं आई थी बीच में, बट हाँ अब मैं ठीक हो गई हूँ, प्रॉपर तो नहीं बट हाँ ठीक हूँ, तो अब मैं वीडियोस बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए, और जल्दी लाने की कोशिश करेंगे हम लोग वीडियोज़ को। अगर आप ये वीडियोस को अब इस वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे, तो इसमें मैंने मेजरमेंट एक्यूरेट बताया है और आपको स्टिचिंग का तरीका, मेजरमेंट का तरीका पूरा बताया हुआ है। अगर आप इसी को फॉलो करते हुए एक ड्रेस बनाओगे तो आपकी ड्रेस बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। वैसे आप सीजन स्लीव्स को ना चाहो तो आप अलग अलग भी लगा सकते हो, पहले एक बड़े वाली जो स्लीव्स का डिज़ाइन है आप उसको लगाओ, भी उसके बाद छोटा फिर छोटा, ऐसे करके भी आप लेयरिंग कर सकते हो, लेयर को स्टिच कर सकते हो। बट मैंने इसको एक सिंपल तरीके से बनाया था कि इन तीनों लेयर को आप एक के ऊपर एक रख कर आप इसको स्टिच कर लो, एक कच्चा सिलाई मार लो, फिर उसको एक साथ डायरेक्ट लगा लो, तो वो एक्यूरेट भी आएगी। वैसे एक्यूरेट तो आप तीनों अगर अलग अलग भी लगाओ तो ये आप 2 तरीके से सी सकते हो, बट मैंने इसको एक ही सिंगल मतलब ईजी वे में बनाया था ताकि आप लोग आराम से समझ जाओ और आपको दिक्कत भी नहीं हो। अब इसकी स्लीव साइड तो दोनों साइड से स्लीव्स तो बन गई हैं इसकी, अब इसमें कॉलर लग जाएगा तो ये फाइनल हो जाएगा। अब कॉलर का भी आप मेजरमेंट एक चेक देख लीजिए
के कॉलर का मेजरमेंट क्या है और आप इसी हिसाब से इसको, और अगर आप कॉलर थोड़ा छोटा रखना चाहो या थोड़ा बड़ा रखना चाहो तो वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये साइज़ उस बच्ची के लिए बिल्कुल ठीक था क्योंकि वो ज़्यादा पतली दुबली बच्ची थी, ज़्यादा मतलब हैवी या बल्क किसी नहीं थी, तो उसके लिए मैंने अकॉर्डिंग की उसके साइज़ के अकॉर्डिंग ये साइज़ कॉलर का बिल्कुल सही रखा था और उस पर अच्छा भी लग रहा था। कॉलर को आप अच्छे से कपड़े में, और इसका ये कपड़ा थोड़ा पतला था इसलिए मैंने इसको अस्तर के साथ ही अटैच करके लगाया था। इसमें आप इस कपड़े को, अगर आपका साड़ी थोड़ी मोटी है तो आप चाहें तो बिना अस्तर लगाए भी कॉलर बना सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। बट हाँ, कपड़ा थोड़ा थिन ही होना चाहिए वरना उसकी बकरम दिखती रहेगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने इसमें, आप चाहो तो हुकाई भी कर सकते हो या काज बटन भी कर सकते हो, पर मैंने इसमें इस तरीके से लूपी वाले डिज़ाइन बनाया था और बटन मढ़वा कर लगाया था। इसका फाइनल डिज़ाइन है, फाइनल लुक था जो अभी आपने देखा, और ये टॉप बनकर ऐसे बहुत अच्छा लगा था। अब मैं इसकी स्कर्ट की कटिंग कर रही हूँ। इसकी कटिंग भी बहुत ईजी थी, एक नॉर्मल सीधी सी, क्योंकि ये नॉर्मल फ्रिल वाला डिज़ाइन बनने वाला था कटिंग में, और हमने गैदरिंग वाली इसमें चुन्ने डाली थी तो इसलिए मैंने इसको, इसका अस्तर को मैंने शेप देकर काटा था, और बाकी जो इसका अपर मतलब इसका ऊपर का अस्तर है वो हमने सीधा ही सीधा काटा था, क्योंकि गैदरिंग होएगी तो गैदरिंग डालेंगे हम उसमें, चुन डालेंगे तो उसमें कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी शेप देने की, वो गैदरिंग डालने के बाद अपने आप ही शेप ले लेता है। तो ये इसका अस्तर का तो मेरा कट चुका है, अब ऊपर का कपड़ा जो डिज़ाइनिंग की साड़ी है वो अब हम काट रहे हैं। अब इसका मेजरमेंट आप देख लीजिए, इसमें मैंने साइज़ आपको बराबर से बताया है। अगर आप इसी साइज़ के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। और प्लीज़ जब ये डिज़ाइन आप कभी ट्राई करेंगे और किसी के लिए बनाएंगे, अपने लिए या किसी के लिए भी, तो मुझे बताइएगा कि उसको कैसा लगा जिसके लिए आपने ये डिज़ाइन बनाया है, या आपको कैसा लगा ये डिज़ाइन। और प्लीज़ कमेंट करा करिए, कमेंट में बताया करिए कि मुझे कि मैं किस तरीके से आपको और बेटर आपके लिए अच्छी वीडियोस बना सकूं। आप मुझे रेफर, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी वीडियो के रिगार्डिंग आप मुझे बताओ कि मैंने कैसा बनाया है, आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो कि आपको कैसे डिज़ाइन देखना है आगे। आप मुझे सजेशन दीजिए कि आपको किस तरीके का और डिज़ाइन, या आपको कैसे डिज़ाइन पसंद आते हैं, आप मुझे सजेशन दीजिए, मैं उस तरीके के लिए आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। और मुझे बताया करिए कि मेरा वॉइस रिकॉर्डिंग आपको कैसा लगता है, या डबिंग वीडियो ये आपको अच्छी लगती है, या फिर पहले मेरी प्रीवियस वीडियोज़ जो सिर्फ म्यूज़िक या मेलोडीज़ पर होती थी वो आपको कैसी लगती थी। तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट कि आपको ये सब कैसा लगता है, और प्लीज़ कमेंट करा करिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करा करिए जिनको भी इनकी इस तरीके की स्टिचिंग वीडियोस या इस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस अच्छी लगती हो, या इनका जिनका थोड़ा भी इंटरेस्ट हो इसमें, और हमें बताया करिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हमको अच्छा लगता है कि हाँ चलो हम कुछ कर रहे हैं और लोग देख रहे हैं तो उनको भी पसंद आ रहा है या नहीं। अभी तो हम लोग जैसा बनाते हैं आप लोग देख के चले जाते हो। प्लीज़ लाइक भी करा करो इसको और थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं एडवांस में ही कह रही हूँ। और इसकी जल्दी से मैं शॉर्ट भी बनाऊँगी आगे। अभी आप प्लीज़ लॉन्ग वीडियोस देखो और इसे प्यार दो, और अच्छे से जो भी डिज़ाइन आप बना रहे हो उसको प्यार से बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा। आप जो भी वर्क करते हो उसको प्यार से और अच्छे से लगन से करिए। चलिए अब बस आज के लिए बस इतना ही, और ये डिज़ाइन भी लगभग बातें बातें करते करते ही काफ़ी सारा बन चुका है। बस अब स्कर्ट ही रह गई है जो थोड़ा बहुत इसमें लास्ट की जो गैदरिंग का डिज़ाइन है। अभी तो फ़िलहाल मैं इसकी सिलाई पक्की कर रही हूँ ताकि धागे वगैरह ना निकले। और ये गैदरिंग वगैरह हो चुकी है इसकी, मैंने डाल दिया है, इसको कच्चा ही करा था, फिर मैंने बाद में इसको स्कर्ट में अटैच किया। अगर आप इसको कंफर्टेबल हो तो आप डायरेक्ट इसको स्कर्ट के साथ भी अटैच करके इसको इसमें चुने डाल सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, मुझे ये कपड़ा थोड़ा स्लिपरी हो रहा था तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए पहले मैंने कच्चा करा हुआ फिर इसको अलग से बाद में इसको जॉइंट इसमें किया था। अब ये तो तैयार हो चुकी है स्कर्ट, अब नाप लगा कर इसमें बेल्ट जोड़ देंगे। बेल्ट भी लगानी है और हाँ चेन भी लगानी है। आप इसको सिंपल नाड़े वाली भी बना सकते हो, इसमें आपको बेल्ट नो चेन नहीं लगानी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आपका बच्चा या जो भी है आप चेन के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप विदाउट चेन भी इसको बना सकते हो, और इजी ऐसे ही विदाउट चेन आप बनाओ और लगाओ इसको। अब स्कर्ट का फाइनल लुक ये रेडी हो जाएगा तो मैं आपको शो करती हूँ रिजल्ट का फाइनल, स्कर्ट का फाइनल लुक।
और प्लीज़ ये वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मेरी लॉन्ग वीडियोस पे आई नो बहुत सारे कमेंट्स और व्यूज़ नहीं आते हैं, बट इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप धीरे 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 लाइक करना शुरू कर दोगे और आप इसको शेयर करोगे, और आप जिसको भी शेयर करोगे उनको भी ज़रूर ये पसंद आएगी। और मैंने बहुत इजी तरीके से आपको इसमें ये सब बताया है, तो आप इस तरीके से इसी मेथड को अगर आप कंटिन्यू करके ट्राई करेंगे तो आप बहुत अच्छा आसानी से ये डिज़ाइन बना लेंगे। चलिए, मेरी स्कर्ट तो लगभग तैयार हो चुकी है, अब बस इसमें बेल्ट जोड़ लग रही है और अब इसमें हुक लगेंगे और ये फाइनल हो जाएगी। अब ये आपको डिज़ाइन सब कैसा लगा और ये आपको तरीका कैसा लगा, या इसमें कुछ अलग था, या आपको ये सब आता है, प्लीज़ ये जो भी है आप मुझे अपने व्यूज़ और अपने सजेशन ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में दिया करिए। और मेरी डिज़ाइन रेडी हो चुका है, इसका फाइनल लुक रिवील कर रही हूँ, और आप बनाइए और ज़रूर अपने बच्चों को या अपने छोटे जो भी घर में है उनको खुश कर दीजिए अपने पुराने कपड़ों से ही। और ठीक है, अब जो भी है, मेरी वीडियोस देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। अब हुक लगाने के बाद ये स्कर्ट फाइनल हो चुकी है और ये इसका फाइनल डिज़ाइन है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।